मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूँ प्रभात शर्मा क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हमारा टॉपिक कुछ इन दिनों से चल रहा है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सिविक्स का सेकंड चैप्टर। आजकल इसी का ही धमाका मचा हुआ है हमारे क्लासेस में यूट्यूब चैनल में। जरा ध्यान देते हैं, आज हमारा डिस्क्रिमिनेशन, एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन जो होता है हमारे समाज के लोगों के साथ भेदभाव जो होता है, लोग फर्क जो करते हैं कि भाई अच्छा है ये, बुरा है ये, अमीर है गरीब है, ये फैक्टर्स दे रखे हैं। आज हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं। फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं कारक। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करवाते हैं, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं, लोगों के बीच में नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले अब टाइप ऑफ वर्क। अब आता है टाइप ऑफ वर्क का मतलब ये कि इंसान काम कैसे करता है। लोग हमारे जो काम की बात थी, जब हम पुराने टाइम पे जीते थे तो हमारा जो समाज था वो चार वर्गों में डिवाइड था, फोर टाइप्स ऑफ वर्क में हमारा डिवाइडेड था। पहला होता था हमारा ब्राह्मण, यानी कि जो लोग पूजा पाठ करते थे, ठीक। सेकंड हमारा होता था क्षत्रिय। क्षत्रिय हमारे जो थे वो सेनापति होते थे, चीफ कमांडर्स होते थे अपनी अपनी सेनाओं के। और उसके बाद हमारे होते थे वैश्य। वैश्य जो थे बिजनेस करते थे, लोगों में समाज के लिए बिजनेस अपना कैरी करते थे, ठीक। और लास्ट हमारा था शूद्र। शूद्र यानी कि जो अपर के जो तीनों लेवल हैं उनके हम की सेवा करते थे, उनका साफ सफाई रहना सहना वो सारा काम हमारे शूद्र लोग करते थे। तो ऐसे ही हमारे पुराने टाइम पे लोगों के उन्हीं के टाइम से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। डिस्क्रिमिनेशन हमारा पुराने कल्चर से ही चलता हुआ आ रहा है, पुराने टाइम से भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क यानी कि जो काम करते थे उन्हीं के बेसिस पे हमारी कैटेगरीज लेवल्स डिवाइड थे सोसाइटी के। ब्राह्मण का काम जो है पूजा करना है, क्षत्रिय का काम है सेनापति यानी कि चीफ कमांडर अपनी फोर्स का, और हमारे वैश्य जो थे वो बिजनेसमैन होते थे, और हमारे जो थे शूद्र वो हमारे साफ सफाई करते थे ऊपर के थर्ड लेवल्स का। तो ये एक मेजर फैक्टर है टाइप ऑफ वर्क, ये जरूर हमारे उसमें गैप पैदा करता है। डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा काम करता है वो गैप पैदा करने का करता है समाज के दो तरह के तबके के लोगों में। हमारे एक्चुअली समाज में तीन तरह के लोग रहते हैं, एक हमारे हाई लेवल के होते हैं जिनको हम रिच बोलते हैं, एक ऐसे जो हमारे मिडिल क्लास जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं काम करते हैं, और नेक्स्ट हमारे होते हैं लो लेवल जिनकी इनकम जो है वो कम होती है, तो उनको हम यहाँ पे पुअर नाम देते हैं। वो बेटा किसकी वजह से होता है, टाइप ऑफ वर्क की वजह से। जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से उनकी हमारी लेवल स्टेटस डिसाइड कर दिया जाता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं और उनकी इनकम, जिसकी इनकम ज्यादा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी कम उसको कम इंपॉर्टेंस होती है इनकम। तो यानी कि क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होगा, जो लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं, लो लेवल के जो लोग हैं, हमारे एससी ओबीसी होते हैं, एससी एसटी होते हैं, उनकी इनकम कम होती है, वो अपना गुजारा करते हैं अपना कैसे भी करके, तो वो टाइप ऑफ वर्क में पहला हमारा डिस्क्रिमिनेशन, उन्हीं लोगों के बीच में भेदभाव पैदा होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन दोनों लोगों के बीच में होता है, रिच और पुअर के बीच में। नेक्स्ट है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मैंने बता दिया था, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला जो टॉपिक है प्रेजुडिस, इसमें क्या होता है कि लोगों की नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, हम नेगेटिवली जज करते हैं। जैसे हमने कल की क्लासेस में पढ़ा था, लोगों को नेगेटिवली बता देते हैं उनके बारे में, नेगेटिव सोच बना लेते हैं कि ये लोग ऐसा है तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो उनके टाइप ऑफ वर्क रीजन कैसा भी हो, ये सारे हमारे प्रेजुडिस में आते हैं। तो लोगों को गलत ठहराना, गलत सोच बनाना, वो हमारा प्रेजुडिस में बताया था। नेक्स्ट हमारा रिलीजन। अब धर्म के बेसिस पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये प्रेजुडिस का ही पार्ट है बेटा डिस्क्रिमिनेशन में। इसमें क्या होता है कि जो छोटे धर्म के होते हैं, मुसलमान हो गया या फिर ईसाई हो गया, इनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, इनकी पॉपुलेशन कम है, ये रहन सहन का अच्छा नहीं है, ये लोग जो है कल्चर को फॉलो नहीं करते, तो इनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, इनके साथ ज्यादा भेदभाव किया जाता है। हमारा देश हिंदुओं का देश है मगर हिंदू भेदभाव करते हैं इन लोगों के साथ, तो वो हमारे रिलीजन के बेसिस पे होता है, धर्म के बेसिस पे होता है भेदभाव जो होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे होगा, धर्म के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मैंने बता दिया था, लोग आजकल लड़का लड़की में भी पुराने टाइम से भेदभाव करते थे, लड़का ये करेगा काम बाहर का संभालेगा, लड़की घर के काम संभालेगी, चूल्हा चौका करेगी, लड़का बाहर हम पढ़ने भेज देंगे, लड़की क्या करेगी पढ़ के,
तो ऐसे काम हमारे ऐसी सोच हमने बना ली थी, डिवाइड कर लिया था हमने अपने समाज को कि हमारी जो सोच है वो स्टीरियोटाइप हमारी बना दी, यानी कि लोग में सोशल इमेज क्रिएट कर ली थी। हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, बॉय और गर्ल, उनके बेसिस पे ही लोगों ने सोच बना ली कि भाई लड़का क्या काम करेगा, लड़का अगर रोता हुआ है तो उसका सब मजाक बनाएंगे, उसको कैसा बनना है, ब्रेव बनना है, लड़का कभी नहीं रोता, ठीक उसके बिहेवियर में नहीं है, लड़की डिसिप्लिन में होती है, लड़की अपना अच्छे से व्यवहार करेगी, उसे अपना घर चलाना है, उसने काम करना है अच्छे से, लड़की प्रॉपरली डिसिप्लिन होती है, लड़का थोड़े बहुत नॉटी हो सकता है। तो ये क्या हमने इमेज बना लिया दिमाग, वो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये हमारे पुराने टाइम से होते हैं। लड़का बाहर के काम करेगा, फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, हॉकी खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, लड़की क्या करती है, गुड़िया का काम करती है, कोई आर्ट कढ़ाई वगैरह का काम करेगी, कोई अगर उसे और अच्छा काम लगता है कुकिंग तो वो वाला काम इंटरेस्ट करेगी। तो काम के बेसिस पे भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, ये ऑल ओवर द बेटा डिस्क्रिमिनेशन पूरा एक ही फैक्टर माना जाता है, बस इसके पार्ट हमने कर दिए। नेक्स्ट है कास्ट, जाति के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कम जाति का है, जो नीच जाति का है, उसके साथ ज्यादा भेदभाव होता है, उसको समाज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जो हाई कास्ट का है, जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये हमारे कास्ट में भी बताता है, कास्ट से ही क्या है, जो टाइप ऑफ वर्क है उसी के बेसिस पे लोगों ने कास्ट बना ली है, और कास्ट के बेसिस पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कैसा काम करता है, अच्छा नहीं रहता होगा, साफ सफाई नहीं रखता होगा वो, और कास्ट भी क्या है, यही बना लिया हमने, तो कास्ट के बेसिस पे भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इतना बात आती है, अब इनको किसने हटाया, इनको समाज में किसने कम किया, वो हमारे जो थे एक पर्सन थे जिनका नाम था भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे जो समाज में जो पुराने टाइम से जो भेदभाव चलता हुआ आ रहा था उसको कुछ हद तक कम किया, उनका जो लेवल था उसको अपलिफ्ट किया, जो समाज के सोशल बैकवर्ड के जो लोग थे और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो थे, एससी ओबीसी जो थे, एससी एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का भी उन्होंने अपलिफ्ट किया, उनका लेवल बढ़ाया, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई समाज में कि भाई इनकी भी कोई जिंदगी है, इनकी भी कोई रूल्स है रहने के लिए, इनको भी जगह चाहिए रहने के लिए। हम क्या है, समाज हमारा उनको बिल्कुल अलग करता है, इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, इनकार करता है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो हमारे नीच जाति के होते हैं, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब होते हैं, जनजाति जिसको हम बोलते हैं, तो वो इसमें आ जाता है। इनको लोगों इनका इनके लोगों को लेवल जो किसने उठाया, वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। अब देखो डायग्राम से तुम्हें बच्चों पता चल रहा होगा कि ये टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है बच्चों को, ये पढ़ रहे हैं, इस बच्चे से ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अब बच्चे के दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि मैं इस क्लास में पढ़ क्यों नहीं रहा। अब देखो सभी बच्चों के फेस पे स्माइल है, सभी खुश हैं, हैप्पीली पढ़ाई कर रहे हैं, ये दुखी क्यों है, ये सैड क्यों है, वो इसलिए है कि टीचर इससे भेदभाव कर रहा है, टीचर इससे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इनइक्वालिटी कर रहा है, इस वजह से ये दुखी है। इससे क्या है, इसका मोरल डाउन होगा, इमोशनली बच्चा सैड हो जाएगा, फीलिंग्स को उसकी ठेस पहुंचेगी। तो जब भी हम किसी बच्चे को नीचा दिखाते हैं, वो नीचा दिखाने का काम हमारा डिस्क्रिमिनेशन ही है। आइए कुछ रीडिंग कर लेते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल्स एक्ट ऑन प्रेजुडिस एज वेल एज ऑन स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब लोग इन सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं, ये सारे फैक्टर्स मिला के हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट है, इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ यू वांट टू स्टॉप देम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज लाइक टेकिंग अप जॉब, स्टॉप देम फॉर लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स। वही हम क्या है, नौकरियों में इनको हिस्सा नहीं देते, इनको अवॉइड कर देते हैं, ये क्या नौकरी करेंगे। तो ये अवॉइड करना, डिस्क्रिमिनेशन करना ये होता है। हम अपने बगल में भी अगर पड़ोसी में भी कोई आ गए तो हम उसको हटा देंगे, ये लो कास्ट का है, इसके साथ क्या रहना, ये साफ सफाई नहीं रखता होगा, ये क्या अपने रूल्स को फॉलो करता होगा, समाज में रहन सहन इसका कम है तो उसको हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ हम कह सकते हैं कि जब वो लोग जॉब करने के लिए आता है, जॉब में भी भेदभाव किया जाता है,
अगर हम आदमी औरत का ले एग्जांपल, अगर हम लेबर का लेते हैं कि लेबर जो काम करने जाती है वो लेबर हमारी उसमें औरत भी काम करती है आदमी काम करता है। आदमी को फिजिकली स्ट्रांग माना जाता है, उसको इतने ज्यादा वेजेस क्यों दी जाती है, उसको इतनी ज्यादा मजदूरी क्यों दी जाती है, औरत को क्यों नहीं दी जाती। औरत को वीक समझा जाता है कि वो फिजिकली वीकनेस है, वो स्ट्रांग नहीं है, वो काम नहीं कर सकती। तो क्या वो पूरे जब लेबर का काम होता है वो क्या पूरे दिन काम नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो उसको लो वेजेस क्यों कराए, उसको वेजेस हम कम क्यों देते हैं, मजदूरी क्यों कम देते हैं? उसका फैक्टर यही है कि हमने लोगों के बीच में क्या किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, भेदभाव किया हुआ है, इनइक्वालिटी किया हुआ है। लोगों को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता हमारे समाज में लोगों को। इसी वजह से हमारा डिस्क्रिमिनेशन का लेवल बढ़ता है और हमारे इक्वालिटी जो घटता है, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। इनको उठाने के लिए कौन थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब पिछले चैप्टर में तुमने एक कहानी पढ़ी थी, समीर एक और समीर दो। समीर एक समीर दो में क्या थे, एक अंतर था, एक रिच फैमिली से आता था, एक पुअर फैमिली से आता था। एक को पूरा अधिकार था, उसे एजुकेशन मिल रही थी, फैसिलिटी, दूसरे पुअर वाले को फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। उसको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों आती थी, उसको इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आती। तो वो क्या थे भाई, हमने टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से करते कि भाई वो इंसान कैसा था, किस घर से वो बच्चा आता था, पुअर घर से, तो वो एजुकेशन फैसिलिटी लेने से वो वंचित रह गया, मिस हो गई उससे फैसिलिटी। उसके टाइप ऑफ एनवायरनमेंट को वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाई जहां से उसे ग्रो करना था। तो इस वजह से हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ और जिसकी वजह से उस बच्चे का लेवल नहीं बढ़ पाया। नेक्स्ट था हमारा, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन एंड देयर स्पेसिफिक रीजन मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज द कस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इंफीरियर। अगर हम बोलें कि जिस एरिया में लोग, अब लोगों का एरिया डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे हिंदू रहते हैं हिंदू का एरिया है, ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ पे ठाकुर रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, मुसलमान वाले एरिया को लो माना जाता है क्योंकि वहाँ पे अक्सर देखा जाता है लोग साफ सफाई नहीं रखते, तो वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हमारे हिंदू वाले साफ सफाई रखते हैं तो उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बोले तो आई नो द डिफरेंस बिटवीन टू समीर साहब, दे वाज पुअर एंड रिच। हमने बताया था एक पुअर था और एक अमीर था, रिच था। इसमें बोला था है, poor people who are poor do not have resources or the money to meet the basic needs of food, shelter and clothing. अब poor people होता क्यों है? Poor की definition क्या होती है? Poor की definition वो होती है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने रोटी, कपड़ा, मकान और अदर facilities को नहीं comfort कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता उन सारी फैसिलिटीज को, इसी वजह से वो पुअर रहता है। उसकी सोर्स ऑफ इनकम इसी वजह से कम होती है क्योंकि वो बेसिक नीड्स जो थी, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसको नहीं पूरा कर पाता, इसीलिए वो पुअर रहता है। और जब से पुअर रहेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा हमारे समाज में, सोसाइटी में ग्रो नहीं कर पाएगा, और उसी वजह से लोग उसको कम इम्पोर्टेंस देंगे। कम इम्पोर्टेंस किस बेसिस पे देंगे, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, इसमें बात बताई गई है, सम ऑफ पीपल्स में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड बिलोंग टू द ग्रुप्स ऑफ कल्चर हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड और ट्राइबल्स सम रीजंस ग्रुप्स इवन पर्टिकुलर रीजंस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वन और मोर दिस रीजंस। अब लोग क्या है, एससी एसटी की बात ले लेते हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट होते हैं, जनजाति, जो लो कास्ट के पीपल्स होते हैं, उनके साथ क्या है, उनके कल्चर को बेस बना के, उनके कल्चर को देख के ही उनके हमारे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जा रहा है तो क्या है, क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। उनके कल्चर को ही बेस बना दिया है, तो इनका तो कल्चर ही बेकार है, रहन सहन का तरीका नहीं है इनके पास, वेशभूषा अच्छी नहीं है, ड्रेसेस जो वो पहनते हैं, तो इन सब बेसिस को फैक्टर बना लिया जाता है। इसी वजह से हमारे इन लोगों के साथ समाज में क्या होता है, भेदभाव होता है। नेक्स्ट में हमारा, इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट द फेमस इंडियन डिस्क्रिमिनेटर।
अगेंस्ट लिटिल्स हेल्प अंडर कास्ट लेस इन विच द कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब कास्ट वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कास्ट ही मेन फैक्टर बना हुआ है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लोग ऊंची कास्ट के हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा उनको वैल्यू दी जाती है, उनका स्टेटस बड़ा रहता है। और जो लो कास्ट के जो होते हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, कम वैल्यू होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उनकी कम है, कम उनकी कास्ट है, तो क्या है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन ही हमारा गैप पैदा करता है पुअर और रिच पीपल। नेक्स्ट हमारा है पीपल्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। अब पीपल्स जो हैं हमारे समाज में तरह तरह के वर्क में काम करते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं टीचिंग का काम करते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुछ कारपेंटर का काम करते हैं, जो लकड़ी पे काम करते हैं उनको कारपेंटर बोलते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये तो समाज का छोटा काम कर रहा है, समाज को सिर्फ सपोर्टिंग का काम कर रहा है, उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसी वजह से हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारा ये भी बोल रखा है कि इन्हीं तरह के लोगों को कम वैल्यू दी जाती है। अच्छा, जो लोग हेयर कटर्स होते हैं, जो नाई होते हैं, बार्बर्स होते हैं, जो वॉशरमैन होते हैं, जो हमारे धोबी होते हैं, इनको इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। इनको क्या है, कम लो कास्ट का माना जाता है, लो कैटेगरी का माना जाता है, इसलिए इनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट अब वो रखा है जो गार्बेज को उठाते हैं, जो कचरा उठाते हैं, शूद्र हमारे होते हैं, उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्या वो क्या सपोर्ट नहीं कर रहे ऊपर वाले फैक्टर्स को, जो हमारे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ इम्पोर्टेंस क्यों कम दी जाती है। हमने बेस बना लिया है उनके टाइप ऑफ वर्क का, टाइप ऑफ वर्क उनका जैसा है उसके हिसाब से हमने क्या है डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। नेक्स्ट है कास्ट कम्युनिटी। दिस इज एन बिलीव इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ प्लेस आर इन लैडर व्हिच आर यूज्ड कास्ट एज। अब देखो लोगों ने कास्ट को सिटी बना दिया है, जो सबसे छोटी सिटी है वो एसटी हो गई, उससे ऊपर वाली सिटी एससी हो गई, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब और एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, उसके ऊपर वाली सिटी ओबीसी हो गई और सबसे पहली सिटी जनरल हो गई। तो सिटी के हिसाब से लोगों ने कास्ट को डिवाइड कर दिया गया है। जो ऊपर वाली जो सिटी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो नीचे वाली जो सिटी है उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो गैप क्या फर्क कर रहा है, वो गैप किस बात का आ रहा है, वो इंपॉर्टेंस क्यों कम की जा रही है, वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। नेक्स्ट है इसमें आया हमारा दोज हु आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लेवल आर कॉल्ड अपर कास्ट। और कुछ लोग जो थे जो सबसे ऊपर कास्ट के लोगों को दी जाती इंपॉर्टेंस, उनको क्या है जनरल बोला गया है, अपर कास्ट के ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक टर्म यूज होता है, जरा ध्यान दें, a common stereotype of Muslim girl, Muslims is that they are not interested in educating the girls and therefore do not send their girls to the school. Musalman jo log hote hain unke dharm mein kya hota hai, wo apne logo bachchon ko ladkiyon ko school nahi bhejte, wo yehi samajhte ki ladkiyon ko padhana chahiye, wo ghar pe dhate hain, to ye hamare Musalman logon ke prati ek thinking banayi gayi. Next isme bataya gaya however studies have not shown now shown that poverty among Muslims is an important reason why the Muslim girls do not enter the school and drop out from the school after a few years. यही कारण है कि लोगों के मुसलमान में सोर्स ऑफ इनकम कम होती है, पुअर होते हैं लोग, और इसी पॉवर्टी की वजह से, पुअर होने की वजह से वहाँ के मुसलमान लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना समझते सही। तो यही बेसिक रीजन है कि पॉवर्टी भी एक पुअर रीजन हो सकता है, बेसिक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मुस्लिम गर्ल्स जो है एजुकेटेड नहीं हो पाती, पढ़ाई नहीं कर पाती, और जो लड़की पढ़ रही है उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है, उनको घर बिठा दिया जाता है, पढ़ रही है उनको रोक लिया जाता है, बोला जाता है आप क्या करेंगी पढ़ के, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है तेरे को बड़ी क्लास में पढ़ाने के लिए, घर बैठा लेते हैं उनको। नेक्स्ट बोला गया देयर आर एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिस्टोर एजुकेशन टू द पुअर, देयर आर द मुस्लिम कम्युनिटीज हैव शोन दैट दे आर सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल। अब लोगों में इंटरेस्ट दिखाया, किसी ना किसी आदमी ने उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया होगा कि भाई लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी ग्रोथ होगी, उनका स्टेटस बढ़ेगा, समाज में कैटेगरी में आएंगे, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हमारी मुस्लिम गर्ल्स में लोगों ने इंटरेस्ट पैदा किया कि उनको पढ़ना चाहिए।
क्योंकि राइट टू एजुकेशन सबको पढ़ने का अधिकार है। हमारा एजुकेशन धर्म नहीं देखता, रिलीजन नहीं देखता कि वो किस रिलीजन का स्टूडेंट है, क्योंकि सबको पढ़ने का अधिकार है। इन आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सम प्रोविजंस दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव अ राइट टू एजुकेट, सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो किसी एजुकेशन का भी हो, चाहे वो किसी कास्ट का भी हो। नेक्स्ट एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, इन द स्टेट ऑफ द केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच, देयर इज गुड गवर्नमेंट बट बस सर्विस हेल्प्स इन द टू रीच द स्कूल। अब गांव के लोगों के विलेज में क्या है कि लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ खास डिस्टेंस नहीं होता, मगर उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में कमी लगती है। लोग क्या है, गांव में जब छोटे स्कूल अवेलेबल नहीं होते, जो बड़े स्कूल्स के लिए पढ़ाई के लिए वो स्कूल जाते हैं, शहर जाना पड़ता है उनको, क्योंकि गांव में स्कूल ज्यादा से ज्यादा पांचवी क्लास तक होते हैं, फिफ्थ क्लास तक, एट तक होंगे, एट से आगे के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उन बच्चों को बाहर अर्बन में जाना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है या कस्बों में जाना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो उन्हें क्या है, जाना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कमी होगी, क्यों ना हमारी गवर्नमेंट को वहाँ पे स्कूल्स खुलवाने चाहिए जिससे कि वहाँ के रूरल जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, जो उनकी 10th 12th की जो बेसिक पढ़ाई है वो उनके गांव में ही पूरी हो जाए। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, इन अदर स्टेट्स वेयर द सच एफर्ट्स आर नॉट बीइंग मेड चिल्ड्रन फॉर द पुअर एंड वेयर द मुस्लिम ट्राइब्स आर आल्सो कॉल्ड लोअर क्लास and find it difficult to attend the school. Therefore, poverty in other regions is a cause of non-attendance in the Muslim girls in the school. ये religion नहीं हमारा कारण होता है कि बच्चा attendance नहीं कर पा रहा, attend नहीं कर पा रहा school. ये religion कारण नहीं है हमारा, हमारा main कारण ये है कि वहाँ पे facilities नहीं है, सुविधा नहीं है, लोग जो हैं aware नहीं हो पाते, वो जागरूक नहीं होते कि हमारे जो एरिया है वहाँ पे हमारा स्कूल भी बनना चाहिए। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चला रखी हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान वगैरह, क्या वहाँ पे हमारे वो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, क्या लोग उससे सारे अवेयर हैं, जागरूक हैं, उनको पता है कि भाई यहाँ पे हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये ना पता होने का कारण यही है कि वहाँ के लोग प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है। वहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाने चाहिए जिससे कि वहाँ पे एजुकेशन का स्टेटस बढ़े। अब एक टर्म यूज होता है, एक वर्ड शब्द यूज होता है, दलित। दलित जो वर्ड है उसमें बेटा दलित जो है वो लो कास्ट के पीपल से आते हैं। मैंने बताया था एससी एसटी जो लोग हैं ये सारे दलित में आते हैं। अब टू एड्रेस देमसेल्फ दे प्रेफर द वर्ड अनटचेबल, उनके साथ जो है छुआछूत वाला व्यवहार किया जाता है, बिहेवियर किया जाता है, क्या भैया इसको छू देंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हमें बीमारी हो जाएगी, हम हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे हमारे लोगों में विचार आ जाते हैं। तो क्या वो सोसाइटी के पीपल्स नहीं है, भगवान ने उनमें वही रेड खून हमारे में भी दिया है और रेड खून उनके में भी है, तो ऐसा भेदभाव क्यों करना, उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है छुआछूत वाला, और उसी कैटेगरी उसी के बेसिस पे यहाँ पे वर्ड बना दिया दलित। सेकंड इसमें वर्ड दे रखा है द दलित मींस दोज हु हैव बीन ब्रोकन, और दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द दलित शोस सोशल प्रिजुडिस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रोकन द दलित पीपल। अब ब्रोकन वर्ड इसलिए, वो टूट कैसे रहे लोग, उनके अंदर जो टूट जो रहे वो लोग किसके वजह से आए, प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप की वजह से। ये प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप ऐसे प्रोसेस होते हैं जो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं, गैप पैदा करते हैं, भेदभाव करते हैं काम के बेसिस पे, प्रिजुडिस के बेसिस पे और स्टीरियोटाइप के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल्स एज एससी यानी शेड्यूल कास्ट, इस तरह के लोगों को गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट बोलती है। द कास्ट एंड ऑफ देयर सुपीरियर, अब जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको इंफीरियर माना जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, बुरा गैप पैदा किया जाता है और कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। इंफीरियर मतलब ये कुछ नाम के बराबर है, कोई वैल्यू ही नहीं है। एक होते हैं सुपीरियर जो अप कास्ट को हाई कास्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो सुपीरियर होते हैं, उनको अपर कास्ट बोला जाता है, जैसे हमारे ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, उनको अपर कास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है The caste school was set which did not allow so-called untouchable to work. For example, some groups हमारे में ऐसा होता है कि
इन अनटचेबल लोग, इनको दूसरा नाम अनटचेबल है, इनको छू नहीं सकते हम, छुआ छूत मानते हैं। तो दलित पीपल्स जो हमारे, मैंने लास्ट में जो बताया था, शूद्र जो होते हैं, शूद्र में जो गार्बेज जो उठाते हैं, कचरा जो उठाते हैं, और जो बार बार नाइट का जो काम करते हैं, इनके साथ जो गैप किया जाता है वो लो कास्ट में ट्रीट किया जाता है, इनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इस तरह के लोग जो हैं वो कम कैटेगरी में रहते हैं। सेकेंड जो बात है वो ये है कि बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक पार्ट फ्रॉम द विलेज फेयर और इवन एंटर टेंपल्स देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट देयर चिल्ड्रन इन द कास्ट स्कूल। अब वही बात है, इनको क्या है, कोई अगर किसी ने नौकर लगा रखा है, हम जैसे अपर कास्ट के लोगों ने नौकर लगा रखा है, तो नौकर को लो कास्ट का माना जाता है, शेड्यूल कास्ट का माना जाता है दलित, क्योंकि उनको हम आते हैं तो घर का पानी भी नहीं, हम बोलते कि भाई हमारे पानी भी इसने पी लिया तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। उसको पानी के लिए भी एक ऐसा बर्तन रखते हैं जो बेकार सा पड़ा रहता है और कवर सा, उसमें उसे पानी देते हैं, तो हमने गैप पैदा कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। उनके जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में पढ़ने का नहीं होता, स्कूल में भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, पूरा भेदभाव किया जाता है। अब ये वाला जो बच्चा जो हमें बताया गया है इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, देखो बेटा इसमें इसका सैड फेस हो रहा है, इसका फेस बिल्कुल ऐसा हो रहा है, यानी कि ये टीचर इसको क्या है, शेड्यूल कास्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, लो कास्ट का बच्चा है, लो कास्ट का है, तो इस टीचर ने देखो भेदभाव कर लिया और इस भेदभाव को देखो डिस्क्रिमिनेशन बोला। ये यहाँ पे ये बच्चे इसलिए हैप्पीली पढ़ रहे हैं, इसीलिए खुश तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि अपर कास्ट के बच्चे हैं, अपर कास्ट के हैं, टीचर खुश है, इनको छूने से कोई नहीं हुआ, अगर इसको छू दिया तो बीमारी हो जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम इसको क्लास में अलाउ नहीं कर रहा है, यहाँ पे टीचर वो इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो यही कुछ कारण है। अब इस कास्ट को अपग्रेड करने के लिए कौन से जो इंसान थे जो अनटचेबिलिटी, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, जो लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका स्टेटस सोसाइटी में किसने बढ़ाया, डॉक्टर भीमराव। यहाँ से हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सही कहानी स्टार्ट की थी, यहाँ पे हमने अपनी कहानी खत्म कर दी, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हमारे समाज में इन लोगों का अपलिफ्ट किया, इनका लेवल बढ़ाया। तो आइए थोड़ा सा रिग्रेट कर लेते हैं, हमने फैक्टर्स पढ़े थे, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन में टाइप ऑफ वर्क पढ़ा था, यानी कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में चार तरह के लोग डिवाइडेड थे, पहले थे हमारे ब्राह्मण, दूसरे थे हमारे क्षत्रिय, थर्ड थे हमारे वैश्य और फोर्थ थे हमारे शूद्र। इनके टाइप ऑफ वर्क की वजह से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और इसी के बेस पे हमारे समाज में लोग डिवाइडेड थे। नेक्स्ट अपने जो इस लोग के बारे में नेगेटिव थिंकिंग पैदा कर लेना, उनको गलत ठहरा देना, नेगेटिव जज कर लेना उनको, तो ये हमारे ट्रेडिशनल है। जो अदर रिलीजन्स जो होते हैं, जो जिनकी माइनॉरिटी में, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जो गंदगी में रहते हैं रिलीजन, उनके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है, उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू हिंदू धर्म। नेक्स्ट स्टीरियोटाइप हमने, जो सोसाइटी में दो तरह के बच्चे होते हैं, लड़का लड़की, उनके अलग अलग वर्ग के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया है और उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको, तो वो सारा हमारा स्टीरियोटाइप में आता है, हम लड़का लड़की के साथ भी भेदभाव करते हैं। तो भाई ये भेदभाव वाले ही फैक्टर से मिला, ये डिस्क्रिमिनेशन इन्हीं की वजह से हो रहा है हमारी सोसाइटी में। और लास्ट हमारा कास्ट, जाति जो होती है, जो कम जाति के जो लोग होते हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, हाई कास्ट के लोग होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और हमने जो जिनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिनको ऐसा सोसाइटी में अनटचेबल माना जाता है, उन अनटचेबल लोगों को हमने शेड्यूल कास्ट यहाँ पे नाम दिया है, उनके साथ बर्ताव किया जाता है कि अछूत हैं, हमें गंदगी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इनको अपलिफ्ट करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, इनको उन्होंने लेवल बढ़ाया। ओके, थैंक यू क्लास, यहाँ पर।